ज्वाइन आवर चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड ऑन टेलीग्राम। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम पर हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टी बैगर वर्ल्ड के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर हमारे जितने भी लाइव कॉल्स दिए जाते हैं सारी अपडेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप लाइफ टाइम मेंबरशिप यहाँ से ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिर तुम्हारे के लिए तीन इंट्राडे कॉल्स दिए हुए थे, तो इन तीनों में ही बहुत ही बढ़िया टारगेट अचीव हुए हैं और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हुआ है। और मार्केट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो काफ़ी अच्छी गिरावट आपको देखने को वहाँ पर मिल गई होगी। तो आज हम लेने वाले हैं मंडे मार्केट के लिए इंट्राडे कॉल्स, यानी कि 8 मार्च के लिए इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और सभी को मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए गाइस, देखते हैं हमारे इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 मार्च के लिए जो हमने इंट्राडे कॉल्स लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स दिए हुए थे अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल था, और वॉलीटाइल मार्केट में कॉल्स ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बार बार एग्जिट भी करना पड़ सकता है लॉस दिखने के चक्कर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदाल को हमने यहाँ पर लिया हुआ था, जिंदल स्टील लिया हुआ था, जिंदल स्टील में हमारा टारगेट अचीव कर गया, और यहाँ पर हिंदाल को मैं आप देख सकते हो कि इसने एक लो क्रिएट किया और हमको यहाँ पर एग्जिट करवाना पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल हो रहा था। वापस ये अपनी कॉस्ट प्राइस के पास आ गया था और उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जब हमने एग्जिट करवा दिया तो कुछ टाइम बाद इसमें भी टारगेट अचीव हो गया था, अच्छी खासी गिरावट देखने को तो मिली, जैसा कि हमको दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो ICICI बैंक में भी हमने एक सेल का कॉल लिया था, जिस वजह से इसमें भी कोई मोमेंट देखने को नहीं मिला और हमने इसको एग्जिट करवा दिया। तो दो कॉल हमने यहाँ पर एग्जिट करवा दिए थे, बट दोनों में ही हमारे टारगेट ज़रूर अचीव हो गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदाल को हमने टारगेट अचीव दिया था, क्योंकि यहाँ पर एग्जिट करने के बाद ये आ गया था। ज़्यादातर यही होता है हमारे साथ, जितने भी कॉल्स मैं एग्जिट भी करवाता हूँ उसके बाद भी वो टारगेट अचीव कर जाते हैं। ये क्लाइंट जानते हैं, जितने पुराने क्लाइंट्स हैं काम कर रहे हैं सभी जानते हैं कि एग्जिट करने के बाद भी हमारे टारगेट्स जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी क्लाइंट हैं ज़्यादातर क्लाइंट एग्जिट करने के बाद भी एग्जिट नहीं करते हैं और टारगेट अचीव कर कर ही जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील का कॉल लिया था, अदानी पोर्ट का लिया था, जिनमें हमारे दोनों में ही टारगेट अचीव हो गए थे। काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट यहाँ पर हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। ICICI बैंक में देखेंगे तो इसमें भी एग्जिट करने के बाद टारगेट अचीव हो गया था, कॉल सारे के सारे करेक्ट थे। तो यहाँ पर आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टी बैगर वर्ल्ड के नाम से आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके एक छोटा सा अमाउंट पे कर, यानी कि छोटी सी फीस पे कर आप लाइफ टाइम के लिए इस चैनल में ऐड हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं अपने इंट्राडे कॉल्स। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी झलक देख लेते हैं अपने पिछले कॉल्स की, यानी प्रीवियस कॉल्स की हम यहाँ पर झलक देख लेते हैं 5 मार्च के दिन जो हमने लिए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सन फार्मा में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली, हमारा इसमें टारगेट अचीव हुआ है। इंडस्ट्रियल बैंक में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, करीब 4 से 5% की गिरावट रही थी इसमें। और यहाँ पर देखेंगे तो कोल इंडिया में भी गिरावट आई और हमारा टारगेट अचीव हो गया था। तो अब हम देखेंगे हमारे 8 मार्च के इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज़, यहाँ पर रहे हमारे 8 मार्च के इंट्राडे कॉल्स। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने अगर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है या आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप अपने स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे एकदम फ्री में। और यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहला जो कॉल है, इसको हम जल्द से जल्द देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कोटक बैंक, जितने भी बैंक्स में गिरावट आई थी बस कोटक बैंक था एक ऐसा जिसने गैप डाउन ओपनिंग लेने के बाद भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, और जो पोजीशन इसने क्रिएट की है उसके मुताबिक भी नेक्स्ट डे में ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाय का कॉल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, 1999 से आपको बाय करना है, 1948 का यहाँ पर टारगेट प्लेस करना है, और यहाँ पर आप 1910 का स्टॉप लॉस भी प्लेस करके चलेंगे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलेगा लाइफ टाइम, यानी कि ज़्यादा टाइम तक आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते रहना चाहते हैं, अमाउंट अपना सेव करना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर क्रिएट करके चले। और यहाँ पर देखेंगे हमारा सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल है हमारा रेमंड का। तो रेमंड में आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी काफ़ी टाइम से, बट यहाँ पर जो तेज़ी है ये ख़त्म हो गई थी प्रीवियस डे पे, यानी कि फ्राइडे मार्केट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी तेज़ी खत्म हुई और क्लोजिंग इसने गिरावट के साथ ही दी है। तो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है इसने गिरावट के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर सेल का कॉल ही ज़्यादा कन्फर्मेशन दे रहा है, यानी कि 90% तक कन्फर्मेशन यहाँ पर हमको मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 385.50 से आपको सेल करना है, 381.60 का टारगेट लेना है, और यहाँ पर 389.40 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और गाइज, हमारा जो लास्ट कॉल है इसको भी आप देख लें, तो ये है हमारा कैडिला का। तो कैडिला में आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट है, और यहाँ पर जो पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो सेल की तरफ ज़्यादा कन्फर्मेशन, जितनी भी मैं आपको कॉल दे रहा हूँ 90% तक यहाँ पर कन्फर्मेशन दिखाई दे रही है, इसी वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सेल की पोजीशन लेकर चलेंगे, 440 से हमारा टारगेट रहेगा, 435.60 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा, 444.40 का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1% का टारगेट 1% का स्टॉप लॉस लिया जाता है, आप जितना भी अमाउंट लगाना चाहें लगा सकते हैं, चाहे बड़े प्राइस के स्टॉक में या छोटे प्राइस के स्टॉक में आपको प्रॉफिट सेम ही मिलेगा, क्योंकि टारगेट हम 1% का ही लेकर चलते हैं। अगर 1 लाख आप छोटे
स्टॉक में भी लगाएंगे तो भी 1% के हिसाब से आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा। बड़े प्राइस के स्टॉक में भी आप 1,00,000 लगाएंगे तो क्वांटिटी भले ही कम आएगी लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा, तो आपको परसेंटेज के हिसाब से 1% के हिसाब से 1,000 का प्रॉफिट इसमें भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट इक्वल करके चले हमेशा, क्वांटिटी इक्वल ना करें, इन्वेस्टमेंट इक्वल करके चले, परसेंटेज के हिसाब से काम करें, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो हमेशा बैलेंस में रहेगा और आप प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, जो लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।